हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का पेपर। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2024 आपका 12 फरवरी का जो है पूरा पेपर हम लेकर आए हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर बायो सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट जो छात्र लिए हैं, बायो सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट जो छात्र लिए हैं उनका भौतिक शास्त्र का पेपर है। ठीक है, भौतिक शास्त्र का, ठीक है, फिजिक्स का पेपर है। तो फिजिक्स का पेपर आज की वीडियो हम लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि आपको 12 तारीख को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो है देख लीजिए, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, ठीक है, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024 सेट सी आपका पूरा पेपर आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देख लीजिए, ये आपका जो पेपर है और इसमें जो यहां पर निर्देश दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, और चलिए बिना देरी कर हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आपका पूरा पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए दोस्तों, आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे, टोटल प्रश्न रहेंगे वो 23 रहेंगे और 8 पेज आपको मिलेंगे पेपर में। समय 3 घंटे का मिलेगा और पेपर आपका जो है 80 नंबर का आएगा, 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका पेपर होगा। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 1 देख लेते हैं और देखते हैं आपका पूरा पेपर। ठीक है, भौतिक शास्त्र का बिल्कुल पूरा पेपर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 है वो है प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, आपको जो प्रश्न दिए गए हैं इनके लिए जो है दिए गए विकल्प जो 1, 2, 3 और ये 4 हैं, इन विकल्पों में से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, और एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस प्रकार से 6 प्रश्न आपके होंगे प्रश्न क्रमांक 1 में, तो 6 प्रश्न के लिए 6 अंक का आपका ये प्रश्न होगा। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न क्रमांक 1 होगा, सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 देख लेते हैं, जो कि है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो है, और साथ में जो है इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी जो है प्रश्न दिए गए हैं, तो देख ले जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर का है, किसी चालक में धारा प्रवाह होता है, ठीक है, अणुओं का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, धनायनों का या फिर जो है धनावेशों का। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख लें, आंसर हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, आंसर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही सभी प्रश्नों के उत्तर की वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है, एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है चौथा प्रश्न है, लेंज का नियम इनमें से किस चीज़ पर आधारित है ये आपको बताना है। ठीक है, इनमें से किस पर आधारित है लेंज का नियम। ठीक है, फिर इसके बाद जो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है, ठीक है, निर्वात में आपको बताना है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसकी चाल क्या होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं ये आपको लिखना है। इसके बाद जो है 6 प्रश्न आपके हो जाते हैं। ठीक है, 6 प्रश्न आपके हो जाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 6 नंबर का ये आपका प्रश्न है। पहला प्रश्न है, 2 समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वे एक दूसरे को खालिस्थान करेंगे। तो देखिए, 2 समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 2 समांतर जो है धारावाही चालक है और इनमें जो है एक ही दिशा में जो है समान दिशा में जो है धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे ये आपको जो है लिखना है। ठीक है, दूसरा है, ट्रांसफॉर्मर खालिस्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा है, ओके 0 केल्विन पर अर्धचालक खालिस्थान की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, चौथा प्रश्न, फोटोन का विराम द्रव्यमान खालिस्थान होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, दृष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात खालिस्थान होता है। ठीक है, फिर इसके बाद छठवां प्रश्न है, प्रकाश के खालिस्थान के लिए अवरोध के आकार को प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए जो है इंग्लिश में दिए गए हैं, तो देख लें। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सत्य या असत्य लिखिए। ठीक है, सत्य या असत्य लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दूसरा प्रश्न है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है तो इस प्रक्रिया में वह 1 फोटोन उत्सर्जित करता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन बम की क्रियाविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। चौथा प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फिर पांचवा प्रश्न है, सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई F0-FE होती है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सत्य असत्य। इसके बाद जो है आपको इंग्लिश मीडियम में दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसमें आपको सही जोड़ी बनाकर लिखनी है। ठीक है, प्रश्न है, सही जोड़ियां बनाइए। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है। तो सबसे पहला है रेडियो तरंगे, पहला क्वेश्चन है रेडियो तरंगे, दूसरा क्वेश्चन है पराबैंगनी तरंगे, तीसरा क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश, चौथा क्वेश्चन है द्रव्य तरंगे, पांचवा क्वेश्चन है
प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण। फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, तो देख लें ये जो है सही जोड़ी आपको इनकी बनानी है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 मेक द करेक्ट पेयर, ठीक है, ये आपको जो इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। 5 नंबर का ये आपका प्रश्न है, 5 नंबर का, ठीक है। पहला है पृथ्वी का विद्युत विभाव कितना होता है, दूसरा प्रश्न है अनुगमन वेग का मान एसआई पद्धति में किस कोटि का होता है, तीसरा प्रश्न है कार्यफलन की कार्यफलन और देहली आवृत्ति में संबंध लिखिए, चौथा प्रश्न है किसी सेल का वीवा बल उसकी टर्मिनल वोल्टता से क्यों अधिक होता है, पांचवा प्रश्न है धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल एवं बेलनाकार क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, धारामापी में चुंबक के ध्रुव जो है अवतल एवं बेलनाकार क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, थीके? ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है। और फिर इंग्लिश मीडियम में राइट द आंसर इन द वन वर्ड और ऑन और वन सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आ जाता है, प्रश्न क्रमांक 6 से 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 से जो है 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 6 लेंज का नियम लिखिए, प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा है संधारित्रीय धारितीय प्रतिघात को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 7 है किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है, यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए, ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वीं का अथवा वाला क्वेश्चन, एक 60 म्यू एफ का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़ा गया है, परिपथ में धारा आरएमएस मान को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों, ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद अथवा वाला प्रश्न है, अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग काला कर दिया जाता है, प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिख लेना है, ठीक है, देख लेना है सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर ले, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आपके 12th के फिजिक्स के पेपर का पूरा सॉल्यूशन सभी प्रश्नों के उत्तर बताएं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। नोटिफिकेशन मिलने से क्या होगा, आप हमारी वीडियो को देख लेंगे, ठीक है, पूरे पेपर के उत्तर की वीडियो देख लेंगे और आप जो है फिजिक्स के पेपर में 80 नंबर में से जो है 80 नंबर लेकर आएंगे, ठीक है, पूरा पेपर आप करके आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर ले, ठीक है। प्रश्न क्रमांक जो 9 है वो देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 9 है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप पूरा पेपर देख लीजिए, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 और 9वीं का अथवा। इसके बाद जो हम प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं, तो देखिए दोस्तों ये है प्रश्न क्रमांक 10, ठीक है, 10वीं का अथवा, 11वां और 11वीं का अथवा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर साथ में नोट करते चलिए, ठीक है, साथ में नोट करते चलिए तो बहुत ही अच्छा होगा, साथ में नोट करते करते आप इनके आंसर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, इनके आंसर जो आप जल्दी से देख लीजिए, पूरे प्रश्नों को अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो कुछ करना कर लीजिए, पूरे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, फिजिक्स पेपर में यही क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वीं का अथवा, ठीक है, फिर इसके बाद जो है 13, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13वें प्रश्न का अथवा, प्रश्न क्रमांक 13 से जो है आपके प्रश्न 3 नंबर के शुरू हो जाते हैं, ठीक है, 3 नंबर के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 13। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14वें का अथवा, 15वें का अथवा, ठीक है, इसके बाद जो है 16वां प्रश्न देख लेते हैं, 16वां प्रश्न, ठीक है, और ये जो है 16वीं का अथवा वाला प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद जो है 17वां प्रश्न, ठीक है, 17वां, 18वां, ठीक है, 18वीं का अथवा देख लीजिए, जो कि 17वें प्रश्न से 4 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, 17वें प्रश्न से 4 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, 18, 19, ठीक है, और ये हो जाएगा 20वां क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लें ये हो गया आपका पूरा पेपर, ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, पूरा पेपर हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लेना है, जैसे ही सभी प्रश्नों के उत्तर की वीडियो आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप जो है वीडियो को देख कर जो है सभी प्रश्नों के उत्तर जो है मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, पूरा पेपर हमने आपको बता दिया है फिजिक्स का, ठीक है, पूरा पेपर हमने आपको बता दिया है, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।